Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SCS Nagar. Students, we are studying chapter 7, that is evolution. We have already studied the universe, origin, origin of earth and origin of life. In today's lecture, we will study about organic evolution and evidences in favor of organic evolution, particularly the paleontological and embryological evidences. So let's start. Okay students, in the previous lecture, we studied that how the life was produced on the primitive earth. तो बच्चे ऐसे ये देखिया कि on the primitive earth, the life was produced in the water bodies and in the reducing condition. उस समय अर्थ के ऊपर फ्री ऑक्सीजन नहीं सीगा और एनवायरमेंटल कंडीशन जो सीगे वो रिड्यूसिंग सीगे. सो लाइफ जो सीगी वो रिड्यूसिंग कंडीशन दे विच नॉन लिविंग मैटर तो प्रोड्यूस हुई बाय केमिकल एवोल्यूशन. आपा कीमोजेनी स्टडी किया एंड इट वॉज एक्सप्लेन बाय ओपेरिन और ओपेरिन का एक बुक भी सीगा बच्चे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इट वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय हेल्डेन. लेटर बच्चे केमिकल एवोल्यूशन वॉज रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. सो इन टूडेज क्लास स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ओके, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टर्म जो है बच्चे दैट वॉज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. सो दिस टर्म वॉज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन ने सानू सिग्निफाई किया डेसेंट विद मॉडिफिकेशन. ठीक है, टर्म जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है विच वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन. सो उसने एवोल्यूशन नू थ्री वर्ड्स के विच एक्सप्लेन किया है. एक कई बार बच्चे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन थ्री वर्ड्स एंड दैट इज डेसेंट विद मॉडिफिकेशन. सो वॉट डज इट मीन? इट मीन्स के जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ने दे ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय द ग्रेजुअल चेंजेस. सो जिन्हें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स सानू दिख रहे ने प्लांट्स ने एनिमल्स ने वो सारे उन्होंने जोड़े सिंपल फॉर्म से उन्होंने तो ही उन्होंने एवोल्यूशन जो है वो होया है. सो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो सिंपल जोड़े यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम से वो कितने इवॉल्व होए सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म्स के विच लाइक इनवर्टिब्रेट्स एंड विच इन टर्न इवॉल्व इन टू द कंपलैक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म्स लाइक द फिशिज. तो फिशिज तो अगे की इवॉल्व हुए एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस जोड़े से ग्रेजुअली चेंजेस इन टू रेपटाइल्स और रेपटाइल्स तो जोड़े बर्ड से और मैमल्स जोड़े गए वह इवॉल्व हुए. सो इसनों आप कहने डेसेंट विद मॉडिफिकेशन के किस तरह साढ़े जोड़े कॉम्पलैक्स फॉर्म्स ने वो इवॉल्व हुए फ्रॉम द अर्लीयर सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद द ग्रेजुअल चेंजेस. ओके बच्चे, साढ़े को बहुत सारे एविडेंसिस ने जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है उसनों सपोर्ट करते हैं. सो जिस तरह फर्स्ट आप साढ़े को जो एविडेंसिस है वह पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसिस ने, दैन साढ़े को एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसिस हैं, दैन मॉर्फोलॉजिकल और एनेटमिकल एविडेंसिस ने, दैन बायो जियोग्राफिकल एंड बायोकैमिकल एविडेंसिस ने. आज के इस लैक्चर के बच्चे आप फर्स्ट दो एविडेंसिस डिटेल पढ़ा, दैट इज पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसिस एंड सैकेंड इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसिस. ओके, फर्स्ट इज पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसिस. बच्चे इस तो पहला मैं थोड़ा एक वर्ड दसागी पैलिनेटोलॉजी. पैलिनेटोलॉजी होंगी है इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द फॉसिल्स. सो जो आप जो सा फॉसिल्स ने, फॉसिल्स की होंगे ने, फॉसिल्स जोड़े ने बड़े स्ट्रोंग इंप्रैशन या जिमें आप इसको रिमेन्स कहने फॉसिल्स दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिजम्स और जोड़े फॉसिल्स ने साड़ी जी सेडिमेंटरी रॉक्स होंगे ने उन्होंने प्रिजर्व हो जाते हैं. सो एक तरह के ये बड़े पेट्रीफाइड रिमेन्स ने और इंप्रैशनस ने ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिजम्स. सो पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसिस जो हैं स्टूडेंट्स ये वो एविडेंसिस ने, दे आर बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ फॉसिल्स. ठीक है, फॉसिल्स नू आपां स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ साडे कोल कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक्स होंदी है C14. सो रेडियो एक्टिव कार्बन है C14 डेटिंग टेक्निक्स ने. सो इस दे नाल आपां फॉसिल्स नू स्टडी कर सकते हैं. ईवन आपां फॉसिल्स का जिहड़ा एज है वो भी आपां फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डेटिंग द रॉक्स इन विच द फॉसिल्स अकर. राइट, सो जेडे फर्स्ट एविडेंसिस ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दे आर पैलिनेटोलॉजिकल एविडेंसिस. इस दे विच आपां स्टडी करांगे अबाउट मिसिंग लिंक्स.
मिसिंग लिंक्स स्टूडेंट्स, दीज आर दोज एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स ने, एक्सटिंक्ट मीन्स वो हुण खत्म हो चुके ने, साडे प्लैनेट ते एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो दो ओ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स ने विच हैड द करैक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनीमल्स, जो इस तरह के एनीमल्स जो टू डिफरेंट ग्रुप्स के करैक्टर शो करते हैं और कन्फर्म करते हैं पाथ ऑफ एवोल्यूशन, सो एज दे लाई बिटवीन दीज टू, उसनों आप मिसिंग लिंक्स कहने। तो इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे साढ़े को एक लिजर्ड बर्ड है जिसनों असी आर्क्योपीटेरिक्स बोलते हैं। आर्क्योपीटेरिक्स जो है ये लिजर्ड बर्ड है और इसनों ये लिजर्ड बर्ड है एक मिसिंग लिंक हैगा बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के विच जड़ा है एक मिसिंग लिंक हैगा और इसका जड़ा साइज़ है एक क्रो का साइज़ जिस तरह होंगे उस तरह का साइज़ है और इस दे विच रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के दैट इज़ एवियंस के दोनों के करैक्टर जो हैं वो सानू इस दे विच मिलते हैं। सो इसनू आपां लिजर्ड बर्ड कहने हैं और इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1861। सो 1861 एडी दे विच इनू डिस्कवर किया सी बाय वैगनर, ठीक है स्टूडेंट्स। वैगनर ने इसनों डिस्कवर किया 1861 दे विच और इन फ्रॉम द अपर जुरैसिक लाइमस्टोन रॉक्स, ठीक है। और रॉक्स जो सी 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड सके। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग करैक्टर, लेट अस स्टडी अबाउट दिस। सो बच्चे इतने एक पिक्चर है, दिस इज़ आर्क्योपटेरिक्स। सो लेट अस सी उस दे विच केड़े इस तरह के करैक्टर्स ने जो रेप्टाइल्स ना मिलते हैं और केड़े करैक्टर्स ने जो बर्ड्स के नाल मिलते हैं। रेप्टाइल मीनस प्रेजेंस ऑफ सिमिलर टीथ इन द जॉस, ठीक है। तो वो जहाँ के जॉस के सिमिलर टीथ ने, ईच जी फिंगर है, ठीक है, दैट एंड्स इन टू ए क्लॉस, इन्हों के जो फिंगरस हैं वो एंड ते क्लॉस है। दैन उस लोंग टेल है विद फ्री कॉडल वर्टीब्रा। सो इन्हों के पिछे की है एक लोंग टेल है, तो जिस तरह और जो कॉडल होंगे टेल वर्टीब्रा विद अ फ्री कॉडल वर्टीब्रा। सो ये जो पॉइंट्स ने इन के जोड़े मैं हमने थोड़ा दसिया, ये पॉइंट्स रेप्टाइल्स के नाल मिलते हैं। सो ये जो है ये लिजर्ड बर्ड है बिकॉज इसते कुछ कर लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अगर आप बर्ड्स के करैक्टर देखिए, बॉडी के उपर थोड़ा फैदरस नज़र आ रहे हैं, सो द प्रेजेंस ऑफ फैदरस ऑन द बॉडी ऑफ द बर्ड। दैन फोर लिम्स अगर देखो, फोर लिम्स जो ने वो मॉडिफाई हो गए हैं इन टू द विंग्स। इसके को लार्ज ब्रेन क्रेस है। दैन फ्यूजन ऑफ मेटाकार्पल्स एंड फिलेंजिस, सो मेटाकार्पल्स एंड फिलेंजिस जो हैं वो भी फ्यूज्ड है ने, राइट। सो ये जड़ा आर्क्योपटेरिक्स है, एक कुछ करैक्टर्स जो हैं रेप्टाइल्स के नाल मिल रहे हैं और कुछ करैक्टर जो है एवियन मीनस बर्ड्स के नाल मिल रहे हैं। सो इसनों आप मिसिंग लिंक कर दे बोलते हैं। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड, मैं हमने दसिया कि 1861 के विच इनू डिस्कवर्ड किया बाय वैगनर फ्रॉम द अपर जुरैसिक लाइम स्टॉक, जी कि 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड सी, ठीक है। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, नाउ वी हैव टेरिडोस्पर्म्स। बच्चे टेरिडोस्पर्म्स जो ने ए भी एक मिसिंग लिंक्स ने बिटवीन द फर्न्स। फर्न्स कितने आते हैं? टेरिडोफाइट्स के विच। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जिदे को नेकेड सीड्स होंगे ने। सो टेरिडोस्पर्म्स दे आर ऑलसो मिसिंग लिंक्स ने बिटवीन द फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। और इन्हों असी सीड फर्न्स बोलते हैं, बट ए एक्सटिंक्ट प्लांट्स ने और जो कि फर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है शो करते हैं, बट दे हैव सीड्स। इन्हों को होंगे सीड होंगे, राइट। सो दे हैव सीड्स। सो जेडे टेरिडोस्पर्म्स ने ए मिसिंग लिंक्स ने बिटवीन द फर्न्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स एंड दे ऑल्सो शो द सेकेंडरी ग्रोथ एंड द सीड हैबिट्स। नाउ नेक्स्ट है बच्चे, साडे कोल कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो जेडे साडे फॉसिल स्टडीज ने वो ये शो करते हैं कि जेडे एनिमल्स या जेडे प्लांट्स जो पास्ट दे विच एग्जिस्ट करते सी, दे वर डिफरेंट फ्रॉम देयर रिलेटेड लिविंग फॉर्म्स। सो इहदा मतलब जेडे लिविंग फॉर्म्स ने उहनां दे विच चेंजेस हुए, जिवें म्यूटेशन हो गया, और जेडे प्रेजेंट फॉर्म्स ने वो सारे पास्ट फॉर्म तो ही ग्रेजुअल चेंजेस दे नाल इवॉल्व हुए ने। जिवें डायनोसोरस हैं बच्चे, डायनोसोरस जेडे ने आपां नूं पता है जुरैसिक पीरियड दे विच एग्जिस्ट किते। डायनोसोरस दे विच कुछ डायनोसोरस ने जेडे कार्निवोरस हैं, फॉर एग्जाम्पल टायरानोसोरस। टायरानोसोरस जो हैं वो 30 मीटर लोंग होंदा है, एक जॉइंट रेप्टाइल है जुरैसिक पीरियड विच मिलता, और ये जेडे ने की ने कार्निवोरस ने, ठीक है। इस तरह जेड़ा दूसरा एक होर एग्जाम्पल मैं लिखा है ब्रोंटोसोरस। ब्रोंटोसोरस भी एक डायनोसोर है, बट ये हर्बीवोर है एंड 25 मीटर्स लोंग होंदा है। जेड़े लिविंग रेप्टाइल्स ने,
ठीक है, जिहड़े लिविंग रैप्टाइल्स आपां अज दे रैप्टाइल्स देखदे आ जो कि कुछ रिजेंबल करते ने डायनासोरस नूं, इह बहुत छोटे ने, स्मॉल ने, एंड दे आर ऑलसो कार्निवोरस। सो डिफरेंसिस जिहड़े मिल रहे ने पास ते प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ च, इह वी सानूं शो करदे ने कि जिहड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अज जिहड़ी फॉर्म्स प्रेजेंट्स ने उह म्यूटेबल ने, उहनां च चेंजेस होए ने, और किस तरह उह अपने पुराने जिहड़े उहनां दे एनसेस्टर्स सी उस तों कित्थां इवॉल्व होए। सो बच्चे इत्थे एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक फैमिली ट्री दिखाया गया है डायनासोरस का। ये डायनासोरस दिख रहे हैं थानू और उन्होंने नाल जिहड़े उन्होंने प्रेजेंट डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स ने जिवें क्रोकोडाइल है इत्थे या बर्ड्स हैगे ने वो दिखाए गए हैं। सो ये फैमिली ट्री जो है इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के बीच फॉसिल्स की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है उस बेस के उपर ये इलस्ट्रेशन इतने शो किया गया है। सो साडे कोल डिफरेंट जिहड़े डायनासोरस दिखाए हैं, दैन आर्कियोपटेरिक्स इतने दिखाया गया, दैन उसते अपना क्रोकोडाइल हैगा, बर्ड्स हैगे हैं। सो एक फैमिली ट्री है डायनासोरस का और उन्होंने लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट्स केड़े होंगे, क्रोकोडाइल लिविंग है, बर्ड्स हैं। सो इस तरह ये कंस्ट्रक्ट किया गया किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दे डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉसिल्स की जी डिस्ट्रीब्यूशन थी रॉक्स के डिफरेंट स्टैटस के बीच कि सानू इंप्रेशन मिलिया, सो उस दे बेस पे देर इज़ अ जियोलॉजिकल सक्सेशन है फॉसिल्स का फ्रॉम अर्ली टू द रीसेंट रॉक्स। नेक्स्ट स्लाइड। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन द डिफरेंट स्ट्रैटास ऑफ रॉक्स। सो इट शोड दैट देर इज़ ए बच्चे जिवें रॉक्स के उपर थानू डिफरेंट इंप्रेशन जो है वह नज़र आ रहे हैं, तो ये शो करता है कि देर इज़ ए जियोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ फॉसिल्स है फ्रॉम अर्लीएस्ट टू द रीसेंट रॉक्स। जिहड़े डिफरेंट एज रॉक सेंडिमेंट्स हैगे ने दे कंटेन डिफरेंट फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। जो सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच जिदा जिदा रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, जिस तरह एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे सी, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही सी, किस तरह वो जिहड़ियां हैगियां डिस्ट्रीब्यूट हैगियां। सो फॉसिल स्टडीज़ के नाल डिफरेंट रॉक्स के स्ट्रैटास के बीच किदा किदा सानू एनिमल मिल रहे ने, सो ये भी एक जड़ा है एवोल्यूशनरी एविडेंस है। नेक्स्ट है बच्चे फाइलोजेनेटिक स्टडीज। फाइलोजेनेटिक स्टडीज होंगे ने, फाइलोजेनी की होंगी है कि ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। सो वॉट इज़ फाइलोजेनी? फाइलोजेनी इज़ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम। सो इस असी ट्रेस कर सकते हैं, इस असी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, सो इस साढ़े को एक एग्जाम्पल लिया दैट इज़ एनसेस्ट्री ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स नूं आपां ट्रेस कर सकते हैं फाइलोजेनी, क्योंकि इस दे जिहड़े फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स जो है इट इज़ ट्रेस फ्रॉम द फॉसिल्स। जिहड़े फॉसिल्स जो हैं दे आर डिस्कवर्ड फ्रॉम द साडे कोल टर्शरी रॉक सीगे नॉर्थ अमेरिका दे विच। तो आपां उस दे नाल हॉर्स की फाइलोजेनी स्टडी कर सकते हैं, आपां देख सकते हैं कि किस तरह सिंपल फॉर्म तो कॉम्पलैक्स फॉर्म्स जो है उन्हां दा एवोल्यूशन होया। राइट, सो एनसेस्ट्री ऑफ द हॉर्स जिहड़ी है वह की कन्फर्म करती है? सब तो पहला ग्रेजुअल इनक्रीज इन हाइट। जदों आपां एनसेस्ट्री देखते हैं तो आपां देखते हैं कि कुछ वो प्रोग्रेसिव ट्रेंड ने, कोई चीज़ इनक्रीज हो रही है, और कुछ जो है वो रेट्रोग्रेसिव ट्रेंड्स भी ने, किसी चीज़ की रिडक्शन भी होया है। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव जो होंगे जनरल कोई इनक्रीज हो रही है इन द साइज ऑफ द ऑर्गन, और अगर असी रेट्रोग्रेसिव की गल करते हैं तो दैट मीनस कुछ डी जनरेशन हुई है या किसी ऑर्गन का लॉस हुआ है। सो अगर आप हॉर्स के बीच देखते हैं तो देर इज़ ए ग्रेजुअल इनक्रीज इन हाइट। सो जिदा जिदा एवोल्यूशन होया हॉर्स की जी हाइट है वो इनक्रीज हुई। इनिशियली जी सी 28 सेंटीमीटर्स, तो मैं हमने थोड़ा डायग्राम दिखाऊंगी स्टूडेंट्स, 28 सेंटीमीटर तो 150 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है इनक्रीज इन हाइट हो रहा है। देन दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ट्रेंड। देन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फंक्शनल डिजिट्स। जो फंक्शनल डिजिट्स जो हैं उनका नंबर रिड्यूस होया है फ्रॉम 4 to 1। राइट, 4 to 1, सो ये रिडक्शन शो कर रहा है। उस तो बाद साडा जिहड़ा इनक्रीज इन द साइज ऑफ द क्राउन ऑफ द मोलर्स। मोलर्स जो चूथ विच हेल्प करते हैं या ग्रेजिंग ग्रास ग्रेज करन च हेल्प कर रहे हैं, उन्हों का साइज जो है वो इनक्रीज होया। सो ये सारे की सी प्रोग्रेसिव ट्रेंड सके, कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस होर हुए, जिवें नैक का इलोंगेशन है, हैड का इलोंगेशन है, फोर लिम्स लेंथन हो गए, और ब्रेन का साइज इनक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली द सेरिब्रम। सो बच्चे ये डायग्राम देखो, सो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स शो कर रहा है। तो सब तो पहला मैं थोनू प्रोग्रेसिव ट्रेंड दिखाया सी कि साइज जो है वो किस तरह इनक्रीज होया। सो इनिशियल जिहड़े एनसेस्टर हैं 28 तो लैके जो प्रेजेंट सानू है अप्रोक्सीमेटली 150 सेंटीमीटर
हाइट इनक्रीज है. सो ए प्रोग्रेसिव ट्रेंड है. और उसी तो बाद जिहड़े तुसीं रिडक्शन देख रहे हो इन द नंबर ऑफ फंक्शनल डिजिट्स. सो फंक्शनल डिजिट्स जो है वो रिड्यूस हो गए, फाइनली जो है जस्ट 4 तो 1 रह गया. इसी तरह जिहड़े क्राउन हैगे, क्राउन का जिहड़ा साइज है वह भी इनक्रीज होया, क्राउन ऑफ द मोलर्स फॉर चूइंग एंड फॉर ग्रेजिंग ग्रास. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एंड दैट इज नोन एज पैलिनोटोलॉजिकल एविडेंस. नाउ सेकेंड स्टूडेंट्स, साडे कोल बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस आ रहा है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसिस. एम्ब्रियोलॉजिकल, दीज आर द एविडेंसिस बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव डिवेलपमेंट स्टडीज ऑफ एम्ब्रियोज. जदों आप डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रियोज़ नू स्टडी करांगे, उन्हां दी कंपैरेटिव स्टडी करांगे, तो सानू एक एविडेंस मिलेगा ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. सो इस दे विच फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो सिमिलर अर्ली डिवेलपमेंट है. बच्चे वी हैव ऑलरेडी डन रिप्रोडक्शन दे विच आपां देखिया कि जिन्ने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ने जो कि 3 जर्म लेयर्स तो मिलकर बनते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. सो जिन्ने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ने वो अर्ली डिवेलपमेंट जो है उन्हों का सेम होंगे. जदों फर्टिलाइजेशन होएगा, फर्टिलाइजेशन तो बाद जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर जाइगोट जो है वो क्लीवेज होंगी है, माइटोसिस हो रही है, दैन जाइगोट जो है वो ब्लास्टूला बनाता है. ब्लास्टूला जो है उस दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टूला तो बाद साडा गैस्टूला बनता है, ठीक है, गैस्टूला. और जिहड़ा गैस्टूला है विच हैज 3 जर्म लेयर्स, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस्टूलेशन. सो अगर आप 3 जर्म लेयर्स लेने, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. सो ये तीनों जर्म लेयर्स जो हैं दे आर सिमिलर इन वेरियस एनिमल्स, ठीक है. सो एक सेम है सब दे विच, सो एक ही इंडिकेट कर रही है सारे जिहड़े ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं उन्हां च तीनों जर्म लेयर्स जो ने दे फॉर्म द सिमिलर स्ट्रक्चर्स. सो वॉट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द कॉमन एनसेस्टर. इट मीन्स इस सब का एक कॉमन एनसेस्टर होएगा, जिवें फ्लैटवॉर्म्स तो लैके मैमल्स तक आपां देखा सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तो इट मीनस ये इंडिकेट कर रहा है, ये एविडेंस सानू दस रहा है कि कोई कॉमन इंसेस्टर होएगा जितों सारिया लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो बने होंगे. नेक्स्ट, सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज. तो जो अर्ली एम्ब्रियोज हैं लाइक आप स्टडी करांगे फिश, सेलेमेंडर, टॉर्टोइज, चिक, रैबिट एंड ह्यूमन्स. सो ये अर्ली एम्ब्रियोज जो हैं दे रिजेंबल एक दूसरे नू, बच्चे इन्ना क्लोजली रिजेंबल करते हैं कि अगर तुसी इन्हां दे एम्ब्रियोज नू स्टडी करो तो तुसी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकोगे कि ये एम्ब्रियो जो है ये टॉर्टोइज है, चिक है या ह्यूमन एम्ब्रियो है, ठीक है. सो इनिशियल जिहड़ी अर्ली स्टेजेस है उहदे विच एम्ब्रियोज एक दूसरे नू बहुत स्ट्रोंगली रिजेंबल करते हैं, जिवें इन्हां दे विच सब दे विच तुहानू नोटोकॉर्ड मिलेगा, टेल हुंदा है, गिल क्लेफ्ट्स हुंदे ने, ईयर रूडीमेंट्स हैगे ने. लेटर की हुंदा है कि जड़ा अपना नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है विद वर्टिब्रल कॉलम्स. और एम्ब्रियोज ऑफ जिहड़े साडे क्लोजली रिलेटेड वर्टिब्रेट्स ने वो एक दूजे नूं बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, एंड दे रिजेंबल फॉर अ लोंगर टाइम. सो ये सब कुछ इंडिकेट की कर रहा है कि ऑल दीज जिहड़े वर्टिब्रेट्स हैं दे हैव सम कॉमन एनसेस्टर, एंड दे ऑल्सो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द अडल्ट वर्टिब्रेट्स. सो इतने आप एक डायग्राम मैं थोड़ा लिया दिखाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल डायग्राम. सो इस दे विच बच्चे अपने कोल फिश हैगा. सो फस्ट ऑफ ऑल साढ़े कोल फिश है, राइट, दिस इज फिश है, दैन सेलेमेंडर है, दैन टॉर्टोइज है, चिक है, रैबिट है, और लास्ट दे विच हैगा ह्यूमन. सो तुसी इन्हां सारे एम्ब्रियोज़ नू स्टडी करो, ये सारे एम्ब्रियोज़ जो हैं देखण सानू इक्को जे लग रहे हन. इन्हां विच तुसी टेल लाइक स्ट्रक्चर है, गिल स्लिट्स जो हैं सब दे विच नज़र आ रहे हन, ये जिहड़ा ईयर रूडीमेंट पॉइंट थानू दिख रहा है, नोटोकॉर्ड थानू दिख रही है. सो ये सारे लेटर ऑन स्टेजिज़ दे विच देखो, जिहड़ा फस्ट एम्ब्रियो सीगा वो फिश दा एम्ब्रियो है, ए सेकेंड जो है वो सेलेमेंडर है, थर्ड इज टॉर्टोइज है, दैन फोर्थ जो है वो चिक है, दैन फिफ्थ इज रैबिट एंड द लास्ट वन इज मैन. सो वॉट डज इट इंडिकेट, सो अर्ली स्टेजेस दे विच सारे एम्ब्रियोज जो हैं और सारे वर्टिब्रेट्स दे एम्ब्रियो दे आर दे रिजेंबल सो मच. और अगर तुसी इन्हां नू स्टडी करो तुसी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकदी कि केड़ा एम्ब्रियो जो है वो किस एनिमल दा हैगा, राइट. सो ये सारी सिमिलैरिटीज एक स्ट्रोंग प्रूफ है दैट सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं उन्हां दा जिहड़ा एनसेस्टर है वो एक कॉमन एनसेस्टर है, राइट. ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लाँगे टैंपरेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। टैंपरेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होंगे बच्चे, इस दे विच इत्थे एक मैं स्टेटमेंट लिखी है, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रैप्टाइल्स। सो कई बार एग्जाम्स के विच एज इट इज़ स्टेटमेंट आ जाती है और थानू इस पर कमेंट करना होता है कि बर्ड्स नू असी ग्लोरीफाइड रैप्टाइल्स क्यों बोले। कुछ इस तरह के एनिमल्स ने उन्होंने को टैंपरेरी स्ट्रक्चर्स होंगे ने, जिमें इत्थे मैं एक डायग्राम के विच दिखाया है कि एग टूथ है, इसनों पर एग टूथ कहते हैं। सो एम्ब्रियोज ऑफ सर्टेन एनिमल्स दे हैव टैंपरेरी स्ट्रक्चर्स विच डिसअपीयर और रिड्यूस बिफोर हैचिंग। ठीक है, जो उन्हों की हैचिंग तो पहला वो स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाता है या वो डिसअपीयर हो जाता है। जिमें यंग वन है, जो बर्ड्स का जोड़े यंग वन होंगे ने उन्हों को होंगे, इतने आप शो कर रहे हैं एग टूथ। सो एग टूथ जो है वो बर्ड्स के यंग वनस को होंगे। सो आई विल राइट इट हेयर। सो दिस इज लेट मी राइट अगेन स्टूडेंट्स। सो दिस इज एग टूथ। ठीक है, सो एग टूथ जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द यंग वन ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि टूथ जो है वो बर्ड नू रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो बर्ड्स का एम्ब्रियो है वो किधर तो यॉक जोड़ा सॉफ्ट टिश्यू हों उसनू खाता है। राइट, सो ये जोड़ा करैक्टर है ये लेटर ऑन इस नू आपा स्टेटमेंट एक बोलिया, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रैप्टाइल्स। इट मीनस बर्ड्स कितों इवॉल्व हुए, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रैप्टाइल्स बाय मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो इट मीन्स बर्ड्स हैव इवॉल्व बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द टूथ्ड रैप्टाइल्स। और टीथ जोड़े से बर्ड चो लॉस्ट हो गए, बिकॉज उन्होंने बर्ड्स जोड़े ने फ्लाइंग एनिमल्स ने, सो उन्होंने बॉडी के वेट न रिड्यूस करने वास्ते वो अडैप्ट हो गए उस चीज़ वास्ते, और जोड़ा उन्होंने टूथ सेगा वो लॉस्ट हो गया। सो इस टैंपरेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है ये भी इंडीकेट करता है कि साढ़े जोड़े बर्ड्स है वो ग्लोरीफाइड रैप्टाइल्स ने। इट मीनस बर्ड्स हैव इवॉल्व बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ टूथ रेप्टाइल्स। तो टीथ जो है वो लॉस्ट हो गया टू रिड्यूस द बॉडी वेट फॉर द फ्लाइट। ओके, इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट साढ़े को बच्चे एक साढ़े को रीकैप्चुरेशन थ्यूरी है, बायोजेनेटिक लॉ है। दिस इज ऑलसो इंपॉर्टेंट, इतने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। दिस इज ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैन इतने साढ़े को बायोजेनेटिक लॉ है दैट वॉज गिवन बाय, इतने साइंटिस्ट का मैं नाम लिखा है हैकल। सो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने अर्नेस्ट हैकल 1868 AD के विच, तो पहले रीकैप्चुलेशन थ्यूरी सीगा साढ़े को, रीकैप्चुलेशन थ्यूरी जो सी उन्होंने कहा कि जिहड़े मतलब जनरलाइज्ड फीचर होंगे है जिमें ब्रेन हो गया या जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड है या स्केलेटन है एक्सियल स्केलेटन, वो सारे वर्टिब्रेट का जोड़ा होंगे वो सेम होंगे, वो पहला अर्लीयर अपीयर होंगे। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल फीचर्स देखते हैं जिमें हेयरस है मैमल्स हेयर प्रेजेंट है बॉडी, या अगर हम बर्ड्स देखते हैं बर्ड्स के उपर फैदरस होंगे ने, सो ये जोड़े सारे स्ट्रक्चरस ने जिद आप वेरियस वर्टिब्रेट्स में डिस्टिंग्विश करते हैं, सारे स्ट्रक्चर लेटर ऑन आते हैं। ठीक है, सो इस जी थ्यूरी सी इस मॉडिफाई किया गया बाय हैकल, और हैकल का सगा बायोजेनेटिक लॉ इन्होंने प्रपोज किया, एंड दे सैड ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। सो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब की होएगा, इट मीनस इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ओन डिवेलपमेंट, जो एक इंडिविजुअल की अपनी डिवेलपमेंट हो रही है, दैट इज़ नोन एज ऑन्टोजेनी। इट पासिस थ्रू इट्स एनसेस्ट्रल हिस्ट्री, एनसेस्ट्रल हिस्ट्री दैट इज फाइलोजेनी। इट मीन्स की है कि इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ओन डेवलपमेंट पासिस थ्रू इट्स एनसेस्ट्रल हिस्ट्री। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, इसनों आप कहने ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। फॉर एग्जाम्पल जिमें प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रेजेंस ऑफ फिश लाइक करैक्टर्स इन द टैटपोल लार्वा ऑफ द फ्रॉग। हुण तुसीं अगर फ्रॉग नूं देखते हो, फ्रॉग का जिहड़ा टैटपोल हुंदा है इट रिजेंबल्स फिश, इट लुक्स लाइक फिश, तो फिश लाइक करैक्टर्स ने, उहदे कोल गिल्स ने, उहदे कोल गिल स्लिट्स ने। सो एंड दैन जिहड़े फ्लैजिलेटेड स्पॉम्स ने, या जिवें तुसीं टेरिडोफाइट्स देखते हो, टेरिडोफाइट्स दे विच की सी फ्लैजिलेटेड स्पॉम्स सी, वाटर रिक्वायर्ड सी फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो जे तुसीं प्रिमिटिव जिम्नोस्पॉम्स देखते हो, टेरिडोफाइट्स पहला आए, जिम्नोस्पॉम्स बाद चो इवॉल्व हुए। जिवें प्रिमिटिव कुछ जिम्नोस्पॉम्स ने जिवें साइकस है या गिंगो बायलोबा, सो प्रिमिटिव जिहड़े जिम्नोस्पॉम्स ने उहनां दे करैक्टर्स किहदे नाल मिल रहे ने, टेरिडोफाइट्स दे नाल मिल रहे ने। ठीक है, सो ये जिहड़े एविडेंसिस ने सपोर्ट करते हैं द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस
फ्रॉम फिश लाइक एंसेस्टर्स। तो एम्फीबियंस कितों आए ने, फिश लाइक एंसेस्टर्स तो आए ने, या आप ये भी कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम टेरिडोफाइट लाइक एंसेस्टर, राइट? इज इट क्लियर टू योर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट आ गया बच्चे डिवेलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। आप कुछ कॉमन डेसेंट देखते हैं एनिमल्स के बीच। आप इतने मैं हार्ट का स्ट्रक्चर लिया है कि हार्ट जो सी सिंगल चैम्बर है, टू चैम्बर, थ्री चैम्बर एंड दैन फोर चैम्बर हार्ट। सो डिवेलपमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हार्ट ऑफ द बर्ड जो है, अगर जो फिश है बच्चे, फिश का हार्ट क्यों होंगे? इट्स टू चैम्बर, ठीक है। दैन एम्फीबियन के बीच अगर तुम फ्रॉग देखते हो, फ्रॉग का, फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड है, फ्रॉग का हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड हो गया। अगे तुम मैमल्स देख रहे हो, मैमल्स इतने भी थ्री चैम्बर्ड है, मैमल्स के बीच हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड है। सो फ्रॉम टू टू थ्री, सो यदा मतलब हार्ट ऑफ द जोड़ा बर्ड है, बर्ड का जोड़ा हार्ट है और जो मैमल का हार्ट है, ड्यूरिंग द डिवेलपमेंट प्रोसेस इट पासिस थ्रू टू चैम्बर्ड, फिर थ्री चैम्बर्ड एंड दैन इट बिकम्स फोर चैम्बर्ड। सो एक ही इंडिकेट करेगा, इतने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इट इंडिकेट्स दैट बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कितों ओरिजिनेट हुए हैं? फिश तो ओरिजिनेट हुए हैं। सो इन्हों का ओरिजिन कितों हो रहा है? दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फिश, ठीक है, थ्रू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो फिश तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स तो बर्ड्स एंड दैन द मैमल्स। सो सेम जिहड़ा बेसिक प्लान ऑफ डिवेलपमेंट है अपने डिफरेंट ऑर्गन्स जिवें किडनीज़ का, ये भी सपोर्ट करता है। सो ये इंडिकेट करता है द कॉमन एनसेस्टर्स ऑफ डिफरेंट वर्टीब्रेट। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल। सो ये जिहड़े सिगे साडे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसिस सिगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसिस दे विच आपां देखिया कि किस तरह अर्ली डिवेलपमेंट, किस तरह वर्टीब्रेट्स दे एम्ब्रियो, टेंपरेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स और दैन मैं थोनों दसिया कि हैकल्स, ऑन्टोजनी, रिपीट्स, फाइलोजनी किस तरह जिहड़ी है ये सपोर्ट करती है, एक एविडेंस दे रही है एवोल्यूशन का कि जिहड़ी कॉम्प्लैक्स लाइफ फॉर्म्स ने दे ऑल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंपल फॉर्म्स, एक कॉमन इंसेस्टर्स हैं उन्हां तों इन्हां दा एवोल्यूशन जो है वो होया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। टूडे वी हैव कवर्ड टू एविडेंसेज इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। फर्स्ट वन इज पेलिनेटोलॉजिकल एविडेंस एंड सेकेंड इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेज इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे।